एक्सरसाइज तो दसम दो का दूसरा का पहला हम लोग कल बनाए थे, उसी का आज दूसरा तीसरा चौथा बनाने की कोशिश करेंगे। पीटी बराबर टू प्लस टी प्लस टू टी का वर्ग माइनस टी का क्यूब। इसका हम लोग को पी जीरो पी वन और पी टू निकालना है। तो पी जीरो क्या करेंगे, दो के दो, टी की जगह जीरो, प्लस टू के टू, टी मतलब जीरो का वर्ग माइनस टी जीरो का पावर थी, दो प्लस जीरो प्लस जीरो का और जीरो गुना दो जीरो माइनस जीरो का पावर तीन जीरो। तो दो प्लस जीरो माइनस जीरो क्या होगा, दो होगा। यही हो गया पहला आंसर। अब वन लगाएंगे तो टी की जगह वन लगाएंगे, टू के टू प्लस टी की जगह वन प्लस टू के टू, टी का वर्ग और एक का वर्ग माइनस टी का क्यूब एक का क्यूब, दो के दो प्लस वन प्लस एक का एक गुने दो माइनस एक का पावर तीन एक। तो दो और एक तीन और दो पाँच माइनस एक कितना हो गया चार आंसर। फिर दो लगाते हैं तो दो प्लस दो प्लस दो टी का वर्ग यानी दो का वर्ग माइनस टी का क्यूब मतलब दो का पावर तीन, दो के दो प्लस दो के दो प्लस दो दुने चार दुने आठ माइनस दो दुने चार दुने आठ, आठ आठ कट गया प्लस माइनस दो और दो चार आंसर। इस तरह से तीन आंसर हो गया। फिर पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो अब इसका पी जीरो पी जीरो, एक्स की जगह जीरो तो एक्स क्यूब, तो जीरो क्यूब जीरो क्यूब क्या होगा जीरो। फिर वन लगाएंगे तो वन का क्यूब वन ही होगा। फिर टू लगाएंगे तो टू का क्यूब दो दुने चार दुने आठ। इस तरह तीन आंसर इसका भी हो गया। फिर एक क्वेश्चन दिया है पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन। इसका भी पी जीरो पी वन और पी टू निकालना है। एक्स की जगह जीरो माइनस वन और फिर जीरो प्लस वन, जीरो में एक किया तो माइनस एक गुना एक और जीरो को जोड़े तो एक प्लस माइनस माइनस एक का एक। फिर वन लगाएंगे तो एक्स की जगह वन तो वन माइनस वन वन प्लस वन, तो एक में एक या शून्य एक और एक को जोड़े तो जीरो गुना दो जीरो। फिर टू लगाएंगे तो टू माइनस वन टू प्लस वन, तो टू में एक या एक गुना दो और एक तीन, तीन एक का तीन आंसर। अब उसी तरह तीसरा नंबर सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि शून्यक नहीं है। पी एक्स का मान दिया है थ्री एक्स प्लस वन, एक्स का मान दे दिया है माइनस वन बाई थ्री, तो यहाँ पी एक्स के पी एक्स थ्री एक्स प्लस वन, एक्स की जगह लगाएंगे माइनस वन बाई थ्री, तो तीन के तीन, एक्स की जगह माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, ये दोनों कट गया तीन तीन तो माइनस वन प्लस वन, ये दोनों कट गया तो क्या बचा शून्य। यदि शून्य आएगा तो लिखेंगे संगत बहुपद के शून्य है, और शून्य छोड़ कर कुछ भी आएगा तो लिखेंगे शून्य का नहीं है। उसी तरह दो नंबर पी एक्स का मान दिया है पाँच एक्स माइनस पाई, एक्स का मान दे दिया है चार बटे पाँच, तो पी एक्स बराबर चार एक्स माइनस पाँच पाई, तो एक्स की जगह आएंगे चार बटे पाँच, तो पाँच के पाँच चार बटे पाँच माइनस पाई, पाँच पाँच कट गया तो क्या बचा चार माइनस पाई, चार माइनस पाई ये शून्य नहीं है, अतः संगत बहुपद के शून्य का नहीं। अब यहाँ दिया है पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस वन, एक्स का मन वन और एक्स का मन माइनस वन, दो बार दिया है, एक बार एक्स भरेंगे और एक बार माइनस एक भरेंगे। तो पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस वन, एक्स की जगह हम भरते हैं वन, तो वन का वर्ग माइनस वन, एक का वर्ग एक माइनस एक, एक में गया शून्य अतः शून्य है। फिर एक बार माइनस वन भरते हैं तो क्या होता है, एक्स का वर्ग माइनस वन का वर्ग माइनस वन, माइनस वन प्लस वन माइनस वन, एक में एक गया शून्य अतः शून्य खाए। इस तरह से बाकी बात क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। दो दशमलव दो का दूसरा हो गया और तीसरा का तीन क्वेश्चन हम बना दिए, सब बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।